हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं दिया है क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पे कम्प्लीटली लॉकडाउन है, 5 अगस्त तक हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। और आपको तो पता ही, अगर मैं ब्लॉग करने के लिए बाहर जाऊँगी तो मेरे साथ क्या हो सकता है। आप भी नहीं चाहते कि मैं सबके सामने धुलाई खाऊँ। तो मैंने आज से सुबह से ही कैमरा पकड़ लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज सुबह से शाम तक मैं रोज़ क्या करती हूँ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं लॉकडाउन में कर क्या रही हूँ इतने दिनों से, मैं आपको बता रहूंगी। मैं आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे ये वीडियो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैं चाय पीती हूँ। आप देख सकते हैं चाय कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। और ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। जस्ट नाउ फिनिश माई ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, अभी मेरा कुछ काम है वो करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। एक्चुअली लोग नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं फिर खाते हैं, लेकिन मैं कम्प्लीटली ऑपोजिट हूँ। मैं पहले ठीक से ठूस लेती हूँ, ठीक से खा लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। तो इससे पहले कुछ काम है वो कर लेते हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपने दीदी के पास। तो आप देख सकते हैं कि ये रोज इसी तरह अपने बागान को सफा करती रहती है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही ये सब जंगल हो गया है। सो मैं थोड़ा सा सब्जी के देख रहे, ब्रिंजल का पूरी है इसको थोड़ा सफा कर ले रही हूँ। और ये मसाला का पत्ता है और ये जिंजर का पेड़ है, छोटा छोटा उग रहे तो इसको मैं थोड़ा सफा करके ले रही हूँ। और क्या क्या लगाया आपने? और तो जगह ही नहीं है क्वार्टर में लगाने के लिए, बस थोड़ा सा साइड में लगा दिया मैंने। हाँ, ये भी है। एक्चुअली हम गवर्नमेंट क्वार्टर पे रहते हैं और आप लोगों को पता ही है गवर्नमेंट क्वार्टर पे स्पेस का कितना कमी होता है। सो ये भी लगाई है। आई थिंक क्या हल्दी का पेड़ है। ये हल्दी, ये सारा मिर्चा छोटा छोटा था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये चारों ओर मिर्चा को लगी जाए। ये देखिए हम लोग का सबसे पहला मिर्चा छोटा सा लगा हुआ है। और ये है ब्रिंजल का, सो मैं बहुत सारे लगाए हुए हैं। एक्चुअली ये सब दीदी करती है, मैं तो कुछ नहीं करती। आगे चल के आपको देखने मिल रहा है कि कितने सारे यहाँ पे पौधे लगाए। यहाँ पे एक बनाना का पौधा भी है जो कि एक ही है, पर नीचे में छोटा छोटा दो पौधा भी निकल रहा है। आगे जाके आपको देखने मिलेगा कितना सारा फ्लावर्स लगा है यहाँ पे। ये सारे जो फ्लावर्स है वो दीदी लगाती है। आप देख सकते हैं चारों ओर कितना ग्रीनरी है। हमारा घर का स्पेस कम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं स्पेस मिलता, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं। तो चारों तरफ फ्लावर्स, ये हम लोग का छोटा सा गार्डन। तो अभी हम ये सेसमी सीड जो कि तिल बोलते हैं इसे, तो इसे धो के यहाँ पे रखा गया है। और ये है पम्पकिन सीड, अच्छा से निकाल के धो के यहाँ पे रखा गया है। अभी ये बाहर बहुत ही धूप है तो अभी हम इसे धूप में देंगे। तो अभी हम तिल बाहर करते हैं। तो अभी हमें तिल रखेंगे, फिर सीड्स को बाहर लाएंगे। अभी हम इसे धूप में देंगे, अच्छा से सूखने देंगे इसे। तो पहले आप अच्छा से मिला लीजिए इसे, ऐसे मिला के छोड़ दीजिए, फिर सूखते रहेंगे। उसके बाद मैं अभी करती हूँ दूसरा काम। सो गाइस, अभी मैं फेस मास्क लगाने वाली हूँ। ये है मेरा फेस मास्क। एक्चुअली मास्क लगाने से पहले आप अपना फेस को अच्छा से धो लीजिए, जो कि मैंने धो लिया अभी। तो अभी मैं ये कैरेट मार्क्स लगाने वाली हूँ, कैटी डॉल का स्वीट रेसिपी कैरेट लीवली कैरेट मार्क्स। आई डोंट नो, कैरेट खाने से तो आँखों का रोशनी बढ़ता है, पर अभी कैरेट मार्क्स लगाने से पता नहीं क्या होगा। तो चलिए लगाते हैं कैरेट मार्क्स। एक्चुअली लॉकडाउन पे कहीं जाना तो नहीं है, पर फिर भी अपना स्किन केयर तो रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरा स्किन बहुत ही ऑयली है, बहुत सारा पिंपल्स भी निकलता है, अभी भी एक दो पता नहीं कहीं पे है उसके बाद। तो इसलिए
अभी थोड़ा सा हेल्प क्या हो जाए। एक्चुअली ये मास्क मैंने पहले भी एक बार लगाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। पर मैंने लास्ट टाइम एलोवेरा का लगाया था, अभी मैं कैरेट का लगाने जा रही हूँ। इसका प्राइस तो 150 है, मैंने जब मार्केट से लिया इसका प्राइस 150 था, मैंने 150 से लिया। पर पता नहीं इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, क्योंकि यहाँ पे टैग कुछ इस तरह से लगाया हुआ है। तो इसमें आपको अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ों का मास्क मिलेगा, कैरेट, एलोवेरा, रोज, बहुत सारे अवेलेबल है। तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली ओपन पोर्स भी बहुत है और ऑयली स्किन, ओपन पोर्स ये एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम करता है मेरे मुझे। सो चलिए, अभी मुझे ऐसे लगा कि 30 मिनट्स रहना है, तो जेली फॉर्म में है, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। वाव, अभी अच्छे से लगा लीजिए, मुझे देखना पड़ रहा अच्छे से ये लग रहा है कि नहीं। मैं बहुत ही भूतिया दिखाई दे रही हूँ, पर इट्स रियली वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। और ये जेली फॉर्म है और बहुत ही ठंडा कर आपका फेस को, स्मेल्स रियली गुड, नाइस स्मेल। तो अभी मैं इसे इसी तरह 30 मिनट्स लगा के रखूंगी। ओके, हो चुका है। अभी इसको थोड़ा जेली फॉर्म है, तो मैंने ये जेली थोड़ा नीचे में अपने नेक में भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं इसके अंदर भी है कुछ जेली से। कोयल, कोयल की कोरिसा। एक्चुअली मेरे पड़ोस में एक छोटी सी लड़की है जो बहुत ही क्यूट है, अभी मैं उसको थोड़ा डराऊंगी। अभी मैं उसे थोड़ा डराऊंगी, ये अभी मैंने मास्क लगा लिया तो अभी मैं उसे थोड़ा डराऊंगी, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कोयल, कोयल तुम्हें बाहर आ, सुन मधुमक्खी बारा देखा, जल्दी आ बाहर। अभी मैं उसे बाहर बुला रही हूँ, देखते हैं वो क्या रिएक्शन होता है। जल्दी आ, जल्दी आ। भूत बन गया, क्या बन गया, की लगाइसो बोले भूत पीछे की लगाइसो। मै मास्क लगाइसो, तुमक भय लागिसे मुख देखि, हसा भय लागिसे तोरे। आई लव यू, लव यू टू कोइ दे। गाइस अभी मैं मास्क लगा के अभी यहाँ पे 1.5 घंटा जैसा लेटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 30 मिनट्स लगा के रखना पड़ता है। और वैसे बच्ची तो कुछ खास डरी नहीं, मैं उसे डराने तो गई थी, पर आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो ये सबसे कहाँ डरेंगे। मैं खुद अगर रात को किसी को ऐसे देख लूंगी तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाऊंगी, और आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो अभी मैं मास्क लगा के ऐसे लेटी रहूंगी, 2-3 फोटो भी क्लिक करूंगी, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी दूंगी स्टेटस के लिए। और वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना बात कर रही हूँ कि मेरा गला अटक जा रहा है, सॉरी। तो वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं आधा घंटा
इसी तरह बेड पे लेटूंगी, गाना सुनूंगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। वैसे इतना भयंकर दिख रहा है मुझे, मत बोलिए। वैसे भी खास तो दिखती नहीं है, पर फिर भी अभी बहुत ज्यादा भयंकर दिख गया। तो ये है कुकू पुअर स्मार्फ, जो आप लोगों ने अगर मेरा इंस्टाग्राम पिक दिया होगा तो इन लोगों के साथ मैं बहुत ही फोटो क्लिक करती हूँ। तो अभी बैठे रहूंगी। वैसे आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हैं कि आप लोग लॉकडाउन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग टाइम पास के लिए क्या करते हैं। मैं तो बड़ा बोर हो जाती हूँ, बोर हो के भी क्या करें। यहाँ से ये क्या हो रहा है, तो गैस अभी 30 मिनट्स हो गया है, मैं मास्क हटाऊंगी। बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है, मुझे खुद को लग रहा है, पता नहीं आपको देखने में कैसा लग रहा होगा। बोल रहे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अचानक से कुछ लगाए और सुंदर होके निकल आएगा एक ही दिन में, ऐसा कुछ नहीं। आप भी अगर सोच रहे हैं कि मैं मास्क लगा के बहुत सुंदर होके निकलूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली दूसरी बार ही लगा रही हूँ, ये जस्ट अपने स्किन को रिफ्रेश करने के लिए है। अभी मैं ये कॉटन पानी में डिप कर, सॉरी ये टॉवल पानी में डिप करके कोल्ड वाटर मैं फेस में रब करूंगी। अब देख सकते हैं एक्चुअली मेरा स्किन थोड़ा ग्लो भी कर रहा है, मुझे तो लग रहा है, थोड़ा दिख रहा है कि मेरा स्किन थोड़ा ग्लो कर रहा है। इस तरह से अपने पूरे फेस को और अपने नेक को ठंडे पानी में डुबो के टॉवल को इस तरह से रब करना है, आपका फेस को क्लीन करना है। तो गाइस फाइनली ये डन हो चुका है। अभी ये मास्क अभी मैं फेंक दूंगी। अब ओके, सो ये काम मेरा पूरा हो चुका है। अभी जाके मैं नहाऊंगी, उसके बाद लंच तैयार है, फिर लंच करूंगी, अभी वगैरह वगैरह बहुत काम है। तो चलिए अभी के लिए बाय। सो गाइस अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी मैं लंच करूंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर शाम को उठ के चाय वाय पीऊंगी। मैं रोज यही फॉलो कर रही हूँ रूटीन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं इसी तरह रोज अपना वीडियो देते रहूंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं लॉकडाउन पे, फिर मैं कल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं और क्या क्या करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अभी मैं एडिटिंग करूंगी, उसके बाद अपलोड करूंगी। इसी तरह मैं रोज वीडियो देते रहूंगी। तो चलिए बाय बाय।